ऐसे इलाकों में तैनाती की जाए। हम नंबर ऑफ कंपनीज का तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार हरियाणा को द कमीशन हैज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज फॉर विधानसभा इलेक्शंस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों ने इस पे इनफैक्ट कमीशन को धन्यवाद दिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जो उनकी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट लगा उसके मुताबिक वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हाँ, इस बात पे जरूर जोर दिया गया और देते रहते हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं उस पर विशेष तौर पर तैनाती का ध्यान रखा जाए। कुछ दलों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की, यह भी मांग की कि 48 आवर्स पहले ड्राई डे वगैरह का नॉट ओनली इन हरियाणा बट एक तो नेबरिंग स्टेट्स में भी हो जाए, खासकर पंजाब में तो अच्छा है। हरियाणा में तो ऑर्डर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। पंजाब के अधिकारियों ने हमारे सीईओ को आश्वस्त किया है कि वो भी हरियाणा की तरह एक दिन तो कम से कम ड्राई डे करेंगे, हो सकता है दो दिन ही करें, बट दैट स्टिल वी विल टॉक टू देम। राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कोई आप एग्जाम्पल्स इंस्टांसेस आपके नजर में ऐसे आए हों तो बताएं, या हमारे मिस्टर सक्सेना को बताएं या सीईओ को बताएं, तो ये उनको आश्वासन दिया गया। उन्होंने मीटिंग में कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं बताया। ये भी कहा गया कि निर्माण कार्यों के धन पर धन जो है वो जारी रख रहे हैं, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो उनको कमीशन के जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अवगत कराया गया कि जो वर्क्स इन मोशन हो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द स्टैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ परमिशन ऑफ द कमीशन, लेकिन कोई नए वर्क शुरू करने की बात हो तो उसका कोई वो इंस्टांस बताएं। उन्होंने एक आध जगह कुछ बताया, उसकी चेकिंग करवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए उन्होंने सहायता उनको दी जाए वोटिंग करने के लिए, तो वी आर ग्लैड टू रिपोर्ट टू यू दैट आई थिंक प्रॉबली इन द रिसेंट इलेक्शंस हरियाणा हैज प्रॉबली डन द बेस्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी वोटर्स, और साथ ही सभी जिलाधिकारियों ने इस बात के लिए कमीशन को आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल मैक्सिमम इंतजाम करेंगे उनको फैसिलिटेट करने का वोटिंग के लिए। सीईओ ने यहां तक बताया कि ओवरऑल सारी स्टेट में 10,000 और 11,000 के बीच वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वोटर्स, इट इज लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, ऑडियो इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट इत्यादि इत्यादि, और उनके लिए इन्होंने कुछ ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया ताकि दे कैन बी काइंड ऑफ गाइडेड एज टू हाउ टू असिस्ट द पर्सन डिसेबिलिटी। उसके लिए मैं सारा कमीशन एक्चुअली वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड काइंड ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय द सीईओ एंड हिज टीम एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इन कंजंक्शन। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्र पर पर्याप्त बिजली और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, और ये भी कहा कि वीवीपैट को खिड़की से दूर रखा जाए ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और कोई अनावश्यक प्रभाव उस पर ना डाल सके। वैसे हरियाणा का जो कमीशन का काफी एक एम्फेसिस होता है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज पे, तो हरियाणा पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट साउंड, तो 100% कवरेज है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का, और फिर भी ये जो बातें राजनीतिक दलों ने बताई हैं उसका संज्ञान लेके सभी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। जो कलेक्टर्स की मीटिंग थी
उसमें बड़ा क्लियर कलेक्टर एसपीस की मीटिंग में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर चीज को बर्दाश्त, बोनाफाइड कोई एरर हो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा कि देर इज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिकॉज द ऑफिसर्स आर सपोज टू लाइक अंपायर्स नॉट द टीम प्लेयर्स, देन कमीशन विल नॉट हेजिटेट टू टेक वेरी हार्श एक्शन एज हैज बीन टेकन ऑन इन मेनी केसेस इन द पास्ट ड्यूरिंग द लोकसभा ऑल्सो एंड वेरियस स्टेट असेंबली इलेक्शंस। आपराधिक मामलों में पर ज्ञापन विज्ञापन देने के लिए न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर कई दलों ने इस संबंध में उचित व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया ताकि इसका खर्च का भार प्रत्याशियों पर ना पड़े। अब इसमें दो तरह के व्यूज हैं, एक व्यू तो ये है कि इस खर्च को राजनीतिक दल पर डाला जाए, दूसरा व्यू ये है कि जो पार्टियां आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनके राजनीतिक दल भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कमीशन ने एज पर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस और ऑब्जर्वेशंस हैं स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक काम किया है और कमीशन उसी के मुताबिक काम करता रहेगा। चुनाव खर्च की सीमा कुछ लोग कहते हैं कि कम करें, और जैसे महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएं, बट देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग लिमिट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेक न्यूज और पेड न्यूज का मुद्दा उठाया गया, उनको बताया गया राजनीतिक दलों को कि ऑलरेडी कमीशन हैज बीन एंगेजिंग विद द वेरियस एंटिटीज जो सोशल मीडिया को देखती हैं, और लोकसभा से पहले उन लोगों ने खुद ही एक वॉलंटरली आफ्टर सम मंथ्स ऑफ एंगेजमेंट विद देम लिख के दिया था कि वो एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट करेंगे, और अभी उन्होंने ये भी लिख के दे दिया है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा या आने वाले जो असेंबली के चुनाव हैं उसमें भी उसी वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक एडहियर करेंगे। वैसे अलग मुद्दा है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिसपे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम वगैरह है वो लोग अलग से इसको दिखवा रहे हैं, INB को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिस स्टेज पे कमीशन का व्यू मांगा जाएगा कमीशन भी अपना उसमें व्यू देगा। ये सारे मीटिंग्स के बाद जैसा मैंने बताया राजनीतिक दलों की मीटिंग के बाद फिर अधिकारियों की जो मीटिंग्स हुई तो इनको जितनी बातें राजनीतिक दलों ने कही थी उनका संज्ञान तो दिया गया, और कमीशन ने बड़ा क्लियर कहा कि आप एक तो खासकर जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव और वल्नरेबल एरियाज हैं उनके ऊपर एक मकबूल व्यवस्था करें, ठीक इंतजाम करें। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव में हमने देखा कि जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी की इनकम टैक्स की परसेप्शन थी और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की परसेप्शन थी उसमें देयर वर सम गैप्स, so we have directed them that they should sit together so that there should not be any gap between what the income tax thinks is expenditure sensitive or what the state officers think is expenditure sensitive. Zahir hai expenditure sensitivity ke mamle mein jo income tax ka view hai that should normally be prevalent because they are dealing with it on a day to day basis. Similarly jo इसके अलावा जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, क्रिटिकलिटी एंड वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, लोकल कास्ट इक्वेशंस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि इत्यादि, और उसके लिए सभी को राइट अप टू CS आज जो मीटिंग हुई तो CS और DG ने स्वयं ही कहा कि नो हम वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ this vulnerability factor and we shall make sure that those areas are covered more adequately with greater deployment of force, flag marches, etc. and also all such measures which are required to kind of plug those gaps are being taken, shall be taken. Rajya mein pehli baar Vidhan Sabha mein, Lok Sabha mein to already ho chuka, EVM ke saath
वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उस विषय में ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश दे चुका है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट्स काउंट किए जाएंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे वो हमने लोकसभा में भी फॉलो किए और विधानसभा में भी फॉलो करेंगे। आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को जो हमारी 1950 हेल्पलाइन है और nsvp.in के माध्यम से मतदाताओं की मदद के भी निर्देश दिए हैं। 1950 की थोड़ा सा इतिहास भी है कि 1950 जो 1950 में कमीशन की स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये हेल्पलाइन जो है वो 1950 कहलाई जाती है। बीच में थोड़ी सी ये कई साल मतलब इट वॉज आई वॉन्ट से डिसफंक्शनल बट इट वॉज लेस यूज्ड। नाउ इट इज बींग यूज्ड फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। द कमीशन हैज बीन रिपीटेडली एम्फसाइजिंग दैट 1950 शुड बिकम लाइक 100 ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड बी ए सब्सटेंटिव हेल्पलाइन। जो आयोग नीति है तबादलों के लिए, उसके लिए कमीशन ने पहले से ही निर्देश दे रखे हैं, हर चुनाव से पहले दिए जाते हैं। मुख्य सचिव जी का और स्टेट के होम सेक्रेटरी डीजीपी का सर्टिफिकेट लिया जाता है और वो ऑलरेडी उन्होंने किया है। लेकिन कल कुछ राजनीतिक दलों ने जैसे एक बात की कि भी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, पीआर ऑफिसर्स हैं, वो सुबह भी आ गया था उसमें इन वन ऑफ दी न्यूज़पेपर्स, शायद बात करके आए होंगे कि उनके चेंजेस किए जाएं। तो कमीशन ने कल ही ये बात तय की कि जो पीआर ऑफिसर्स, चूंकि वो एमसीएमसी का पार्ट होते हैं तो इसलिए वन वे और दी अदर उनका इलेक्शन में रोल होता है, तो कल आदेश दे दिए गए 6 लोगों का 10 लोगों का परिवर्तन करने के, और दैट इज पीआरओ एज वेल एज एपीआरओ। और शिक्षा के भी उन्होंने केवल एक अधिकारी की कॉन्क्रीट शिकायत की, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी एंड मे बी बाय टुडे इवनिंग इटसेल्फ नेसेसरी एक्शन बी टेकन। अदरवाइज उनको कहा है कि आप केस टू केस बताइए, तो केस टू केस जो है सीईओ अपना उचित निर्णय लेंगे। कमीशन आदर्श आचार संहिता और व्यय की निगरानी का कड़ाई से पालन करने के सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि राजनीतिक दलों और मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यवस्था की जा सके। ऑलरेडी कमीशन ने पिछले 3-4 वर्षों में नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशंस के प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया और सफल भी हुए हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैज बीन सी विजिल। उसमें कोई चाहे तो अपने को आइडेंटिफाई कर सकता है, किसी को ये लगे कि मुझ पर प्रेशर है और मैं आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करना चाहता, ही और शी कैन विद होल्ड हिज और हर आइडेंटिटी। जो आइडेंटिफाई करके शिकायत करेगा उसको इंटरनल रिप्लाई इमिजिएटली दिया जाएगा यथासंभव अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट, और जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो पब्लिक न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बता दिया जाएगा कि उसमें क्या एक्शन हुआ। ये स्टार्ट इसका बेंगलोर से हुआ था एज ए पायलट कर्नाटका में, उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। जो 5 स्टेट्स के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि, वहां एक्सटेंड किया गया। और फिर लोकसभा चुनावों में, क्योंकि उन 5 स्टेट्स में आशातीत नहीं उससे भी अधिक सफलता मिली थी, तो फिर सारे देश में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ कमीशंस। दिस इज द बिगेस्ट टूल ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ अ सिटीजन शुड ही और शी वॉन्ट टू ब्रिंग एनी इरेगुलरिटी टू द नोटिस ऑफ द लोकल ऑफिसर्स। कमीशन का यही और ऑल ओवर एफर्ट इज वेदर इट इज द स्टेट मशीनरी, द सीईओ हियर और द ईसीआई, दैट वी शुड ट्राई एंड गेट अ फ्री, फेयर, रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल इलेक्शन।
जहां तक मेरा इनिशियल स्टेटमेंट था वो मैंने दे दिया, जो सारा डेटा है वो अभी आपको साथ दिया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, पीडब्ल्यूडीज, एक्सपेंडिचर इत्यादि इत्यादि, दिस विल बी गिवन टू यू अलॉन्ग विद द प्रेस नोट। आप चाहो तो मैं एक एक डाटा पढ़ देता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप प्रश्न प्रश्न करने के मूड में हो, तो देखिए जो आपका इलेक्टर्स हैं वो टोटल 1,82,82,570, इसमें एपिक परसेंटेज जो है वो 100% है, जेंडर रेशियो 870 है, ईपी रेशियो 63.04 है, पोलिंग स्टेशन 19,578 लगभग 20,000 के आसपास हुए, मेल वोटर जो है आपके 97,74,543, फीमेल वोटर्स 85,07,705, पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिसके बारे में मैंने खास जिक्र किया, दैट इज इन्होंने ऑलरेडी 1,38,417 आइडेंटिफाई किए हैं, जितनी स्टेटों में हमने आज तक रिव्यू किया है, प्रॉब्लम दिस इज द क्लोजेस्ट फिगर ऑफ द सीईओ ऑफिस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। विधानसभा चुनाव में 2014 में वोट प्रतिशत 76.54 था, हमेशा हमने पुराना ट्रेंड देखा 2009, 14, 19 में विधानसभा में आपके यहाँ पोलिंग ज्यादा होती है, मे बी लोकल फैक्टर्स हेल्प, और लोकसभा में इस बार काफी स्वीप एफर्ट्स इन्होंने की, लेकिन पोलिंग जो थी वो जितनी आशातीत हम सोचते थे उतनी नहीं हुई, 71 के आसपास हुई, और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो स्वीप एफर्ट है उसको काफी और ज्यादा सिस्टमेटिकली किया जाए, इनको स्वीप के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग की भी जरूरत थी, वो फंडिंग ऑलरेडी मुहैया करा दी गई है, आपने यहाँ एंटर करने से पहले शायद एक स्वीप का छोटा सा झलक देखा होगा, पर आपके पास टाइम कम होगा, पर अगर आप उसमें रुक रुक के देखें एक एक स्टॉल तो आप देखेंगे कि बहुत से स्टॉल्स पे कई कलेक्टर्स ने और उनके जो स्वीप नोडल ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, डन अ गुड वर्क। क्वेश्चंस सॉरी हाँ बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सामान्य तौर पर जो फुल कमीशन है किसी भी राज्य के चुनाव शुरू होने से पहले तकरीबन विजिट करता है और पूरी तैयारियों का जायजा लेता है, मैं शायद ये कहूँगा हम पीक पे पहुंच गए हैं, नॉमिनेशंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, सबको चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, चुनाव प्रचार के दौरान है, पूरे ऑफिसर्स चुनाव प्रचार के दौरान है, तो शायद मैं मुझे लग रहा है कि चुनाव कमीशन का इस वक्त पहुंचना क्या हरियाणा की कोई गंभीर विषय के संकेत देता है इस वक्त का पहुंचना, या कोई हम लेट हो गए थे पहले कमीशन आ नहीं पाया था इसलिए आया? जैसे थर्ड विजिट नहीं, फुल कमीशन, एक सेकंड, दो बार तो हमारे आ चुके हैं सक्सेना जी, वासा जी खुद जो इलेक्शन कमीशन है हरियाणा काडर के भी हैं वो भी आ चुके हैं, अब फुल कमीशन आ गया है, तो इतना भी आप चंडीगढ़ में हमारा अस्वागत ना करें कि हम आए क्यों हैं। आपका स्वागत है, लेकिन हम गंभीरता में जानना चाह रहे थे कि क्या कोई गंभीरता से कोई ऐसा विषय नहीं, अनलेस देयर इज समथिंग इन योर माइंड व्हिच वी आर नॉट अवेयर, देयर इज नथिंग इन आवर माइंड्स। मैं राकेश गुप्ता हूं जी। सर ये बताएं कि माइक ऑन कर लें जरा। हेलो, ऑर्गेनाइजेशन भी बता दें अपना। मैं हरियाणा न्यूज से हूँ सर। सर अभी हमारा कितना ये फाइनल हुआ है कि कितने हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हरियाणा के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि हरियाणा में जो है हमारा अकेला चुनाव हो रहा है और सभी बॉर्डरिंग एरिया है, तो ऐसा कुछ फाइनल हुआ है कि जो हाइपर सेंसिटिव हैं कितने बूथ हुए हैं? जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है आदेश निर्देश दिए गए हैं कि सब में 100% वेबकास्टिंग होगी। आप लेफ्ट से आप सेकंड। हेलो सर, सॉरी
That we can't discuss. That is an operational matter. We never discuss that. We can't discuss the operational matters. I'm sorry. Sir, sir, Mohit Dupad Amar Ujala se, sir. Sir, Mohit Dupad Amar Ujala se. Sir, main ye janna chahta hu, ye abhi piche, ye jo Punjab humare saath hi padta hai aur करोड़ों रुपए का नशा और नोट अभी पकड़े गए हैं, पुलिस ने भी प्रेस रिलीज जारी करके ये डाटा भी फिगर भी अवगत कराए हैं, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी इसी तरह की सिचुएशन को लेकर क्या वर्तमान स्थिति है और किस तरह हम इसको और देखिए, ऑलरेडी आज सुबह की मीटिंग में कमीशन ने फील किया कि पंजाब के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए एक्साइज टैक्सेशन के फ्रंट पे, क्योंकि पंजाब हरियाणा दोनों में ही एक्साइज टैक्सेशन एक ही विभाग है, तो पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफ कमिश्नर को हमारे सक्सेना साहब ने बुलाया, हरियाणा के एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर के साथ बिठाया और कुछ उन्होंने आज अहम फैसले और कराए हैं टू एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। कुछ एनडीपीएस को लेके जब कमीशन वापस जाएगा तो जो एनडीपीएस के डीजी हैं उनको भी हम सेपरेटली कॉल करेंगे, एक आध दिन में ही कॉल कर लेंगे ताकि एनडीपीएस के फ्रंट पे भी कुछ और तेजी आ सके। सर टू द राइट फ्रंट रो। हेलो, आई एम डॉक्टर रविंदर मलिक फ्रॉम आसमान न्यूज़पेपर। सर माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स आवर स्ट्रेटजी टू डील विद दोज पार्टीज हु यूज्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर इलेक्शन एक्सपेंडिचर विद डिले, लाइक लास्ट टाइम बीजेपी सबमिटेड इट्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर विद 198 डेज डिले and Congress with 181 days delay. So in future what kind of actions will be No, we give them notices and we try to kind of admonish them or suitably deal with them, but it's not that kai parties even jo choti parties thi unhone bhi delay se kiya, even in LO Hajka isliye wo nahi tha ki keval koi big parties ne delay kiya, big parties mein but we don't condone delay to anybody. Sir, second question is that sir, last fourth row mein aap ji sir, main Yogendra Sharma hu, Surya Samachar sir, fourth floor ka bhi number aane dijiye baad mein bol सर आपने बताया कि जो चुनाव आदर्श संहिता है उसका सख्ती से पालन हो इसका प्रयास करेगा चुनाव आयोग, और जो जो जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और कई तरह की जो बातें की जा रही हैं, तो इसके लिए कुछ ये बनाया, जैसे कई पार्टियां हैं जो चुनाव में जो कई मुद्दे हैं जो अभी देखें आप, चाहे वो धारा 370 को लेके हो या और भी कुछ, ये है धर्म की बात जो कही जा रही है उसको भी चुनाव प्रचार में जो है भाषणों में बोला जा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई देखिए कल जब हमारी राजनीतिक दलों की आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बैठक हुई थी, हमने पुनः दोहराया था कि आप जो भी स्पेसिफिक वायोलेशन के केसेस हैं, स्पेसिफिक वायोलेशन के केसेस तो कौन बताएगा, या तो आप बताएंगे, आप बताएंगे सी विजिल पे, और या फिर राजनीतिक दल बताएंगे, तो उनको क्लियरली बताया गया कि आप आपको चाहें तो आपको बताएं, आपको चाहें तो आपको बताएं। जी सर, जो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये जिनको अभी इसको सॉरी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसे धारा 370 को लेके बयानबाजी हो रही है कि ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है इन चुनाव में और उस भाषण में उसके उस पे चर्चा हो रही, तो इस पे क्या कुछ धारा 370 इस देश की पार्लियामेंट ने पास की है, मैंने और आपने पास नहीं की। फ्रंट रो में आपका सवाल। जी सर, इधर योगेंद्र शर्मा हरिभूमि से हूँ मैं। हाँ जी, आप रह गए। मेरा सवाल ये था कि अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, दीपावली दशहरा चला गया है, तो इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है उसमें अगर पॉलिटिकल लोग जाते हैं उसको किस तरह से आयोग देखता है, उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई हैं क्या? दूसरा, जो पॉलिटिकल लोग आपसे मिले हैं जो फीडबैक दिया है, कुछ ने लेटर भी लिखे हैं आपको, तो उसमें क्या ईवीएम को लेके कोई किस तरह के चिंतन मंथन हुआ है, दोबारा कोई फीडबैक इस तरह का आया? जी मैं ईवीएम वाले की बात की वेट कर रहा था, अच्छा कि आपने पूछ लिया, लेकिन ईवीएम कोई पहली बार तो यूज नहीं हुई, ऑलमोस्ट अब 3 decades होने लगे ईवीएम को यूज होते हुए स्टेट इलेक्शंस में, और ऐसा तो ना कहें हम, अभी 5 states के इलेक्शन हुए एक तरह का रिजल्ट आया, 2014 में लोकसभा में एक तरह का रिजल्ट आया, उसके तुरंत बाद दिल्ली में जो
जो रिजल्ट आया वो एक ह्यूज मैंडेट टू अनदर पॉलिटिकल एंटिटी हुआ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जब एक्स जीते तो ईवीएम सही है, वाई जीते तो ईवीएम खराब है। अभी ये आजकल बाई इलेक्शन चल रहे हैं कई स्टेट्स में, मिक्स मैंडेट है, कहीं कोई पॉलिटिकल एंटिटी जीत रही है, कहीं कोई जीत रही है। तो वैसे ईवीएम के लिए बड़े दो तीन बहुत ही लायक लोग हैं जो इसका सारा ओवरऑल सुपरविजन करते हैं। प्रोफेसर डी टी सहनी हैं जो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एमरिटस हैं, प्रोफेसर रजत मोना हैं आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर शर्मा हैं आईआईटी बॉम्बे के एमरिटस प्रोफेसर हैं। और बाय द वे ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट आने के बाद ईवीएम से जुड़े हैं। प्रोफेसर डी टी सहनी 2006 से ऑलमोस्ट 10 तक उसी कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी के वो फिर बाद में चेयरमैन बने। तो दे आर समटाइम्स व्हेन यू टॉक टू देम यू फील दे आर वेरी पेन्ड कि दे आर नॉट टेकिंग एनी ऑनरेरियम और एनीथिंग फ्रॉम द कमीशन। दे आर वर्किंग प्रोफेसर सहनी बीच में यूएस गए हुए थे अपने बच्चों के पास और टाइम डिफरेंस के हिसाब से वो 3-3 बजे तक यहां के 3 बजे वहां दूसरा टाइम, वहां दूसरा टाइम ही हैज बीन डूइंग काइंड ऑफ